घुमाओ बे घुमाओ भाई, लग जाएगा पता। अबे हाँ हाँ, जिस पर भी रुकी वो त्रुट या देर में किसी एक को चुनेगा, ठीक है ना? हाँ भाई। अरे यार, अरे भाई कालू, ये तो तेरे पे आई है। अरे अब भाई, बता ट्रुथ लेगा या डेयर? हाँ हाँ बे कालू, बता बता क्या लेगा। और हाँ, त्रुट मत लेता, नहीं तो तुझे पता है कि मैं कैसे सवाल पूछूंगा। क्या कहता है भाई विजय? हाँ भाई, ट्रुथ मत लेना, डेयर ही लेना, नहीं तो ऐसा ऐसा पूछेंगे कि तुम भूल जाओगे सब कुछ। अरे भाई ठीक है यार, डेयर ही दे दो, क्या करना है बोलो यार। तुम लोग विजय और विजय और तुम बोल रविंद्र, क्या करना है? अबे देख मेरे भाई, कराएंगे तो तुझसे कुछ बहुत खौफनाक है, क्योंकि तूने अब डेयर चुना है तो डेयर तुझे खतरनाक सा ही देंगे। विजय भाई बोलेंगे तुझे कि क्या करना है अब। तुम्हें इस ग्रेवयार्ड में जाना पड़ेगा। अरे चले जाऊंगा भाई, ग्रेवयार्ड में जाते क्या है वे? अरे अभी नहीं जाना है, रात को जाना है, अभी तो हर कोई जा सकता है। अरे ऐसा मत बोल भाई विजय यार, तू मेरे को मरवाएगा यार, तुझे पता नहीं है रात को बोलते हैं भूत आते हैं वहाँ, मैं नहीं जाऊंगा भाई। अबे देख देख कालू, अब तो अपनी बात से मुकर रहा है, अब तो जाना ही पड़ेगा भाई। तूने एक बार चुन लिया है ना डियर, तो जाना तो तुझे पड़ेगा ही, अब बस रात का इंतजार है। अरे भाई एक बार फिर से सोच लो, मर गया ना मैं तो भाई, तुम लोग छोड़ेंगे नहीं मेरे घर वाले तुम्हें। अबे यार कालू, तू भी कैसी बातें करता है, मरेगा कैसे तू, समझा भाई से विजय, ये कैसे मरेगा? अरे ये भी एक नंबर का फट्टू है, चला जा, डेयर क्यों लिया था फिर तूने? अरे भाई ठीक है चले जाता हूँ यार, तुम लोग भी बकवास कर रहे हो, चले जाता हूँ भाई, मर गया ना तो घर वालों को बोल देना। ठीक है दोस्तों, जा रहा हूँ मैं यार, अरे काफी डर लग रहा है मुझे, ठीक है चलता हूँ बे। अबे जा जा कालू, वैसे भी तुझे कौन मारेगा, अंधेरे में तू खुद नहीं दिखता है। ठीक है जाता हूँ। अबे भाई विजय, ये तो गया, लेकिन सारा डरता बहुत है तुझे पता है, इसलिए हम दोनों को यहीं रुकना पड़ेगा शाम होने तक। अरे नहीं यार भाई, तुम्हें तो पता ही है मेरा बाप मुझे कितना मारता है, मुझे तो घर जाना ही पड़ेगा ना। अबे यार तेरे भी नखरे हैं, चल कोई बात नहीं, तो मैं ही रुकता हूँ, तू जा। ठीक है भाई चलता, मैं सुबह मिलूंगा आपके साथ। हाँ जल्दी चलता हूँ यार, पापा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। यार ये फ्री फायर का काफ़ी डरावना ग्रेवयार्ड है भाई, मुझे तो डर लग रहा है, लोग यहाँ दिन को नहीं आते हैं और मैं रात को आया हूँ, इनके डेर के चक्कर में कुछ हो गया ना मेरे को भाई, मुझे तो डर ही लग रहा है भाई, कहाँ जाऊँ, लेकिन अब डेर लिया है तो रात तो बितानी पड़ेगी ना यहाँ पर भाई, और कर भी क्या सकता हूँ, रात नहीं बिताई तो वो मुझे ऐसे ही फालतू में जलाएंगे भाई, और उनकी बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है ऐसा है कि यहीं रात को रुक लेता हूँ, वैसे भी क्या ही होगा देखता हूँ यार। मैं भी ऐसे डर रहा हूँ, बजरंग बली है ना मेरे साथ में यार, डरने की क्या बात है, चलो आगे चलता हूँ, थोड़ा अंदर जाकर देखता हूँ कहीं बैठने को जगह मिले। आ गया है मेरा शिकार, आ गया है, अब इसके साथ खेलूंगा मैं चूहे बिल्ली का खेल। इन्हें पता नहीं इनका रक्षक ही बन चुका है भक्ष्य। इसने गलती की है, इसने गलती की है मेरे ग्रेवयार्ड में आकर, इसे इसकी सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये अब मरेगा मेरे हाथों से, क्योंकि जो कोई भी ग्रेवयार्ड आया वो जिंदा वापस नहीं गया है। आ रहा हूँ मैं। अरे यार यहाँ तो पहुँच गया हूँ, अब कहाँ बैठूँ, कौन सी जगह अच्छी होगी मेरे लिए यार। अरे ये वास्क, अरे ये पक्षी, ये चमगादड़ यहाँ क्या कर रहा है, हट बे चमगादड़ यहाँ से, हट इधर, यहाँ से निकलो बे जल्दी से जल्दी, पत्थर मारूंगा नहीं तो, मूड खराब किया मेरा तो, निकल बे चमगादड़ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे चमगादड़। अरे अरे ये क्या हो गया, भगवान बचा लो मुझे, इतना बड़ा चमगादड़ कैसे हो गया ये, अरे जल्दी से यहाँ से भागता हूँ यार, मार डालेगा मुझे चमगादड़ नहीं तो, अरे यार कहाँ जाऊँ अब, कहाँ जाऊँ, अरे ये चमगादड़ फिर से आ गया, अरे चमगादड़ मुझे छोड़ दो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो यार भगवान, अरे मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। डर क्यों रहे हो? अरे कोबरा तुम, अरे मैंने सोचा पता नहीं कौन है कोबरा, ये तो तुम हो मेरे सुपर हीरो। हाँ हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा सुपर हीरो कोबरा। तुम डर क्यों रहे हो लेकिन,
अब नहीं डरूंगा कोबरा, तुम आ गए हो ना, अब किस बात की डर है भाई, तुम तो हमारे सुपर हीरो, तुम थोड़ी करोगे मुझे कुछ यार। हाँ हाँ सही कहा, मैं थोड़ी करूंगा तुम्हें कुछ, सही समझे तुम। मुझे लगता है कोबरा तुम उस चमगादड़ को मार दिया है ना। अरे शुक्रिया कोबरा, तुम्हें मेरी जान बचा ली, पता नहीं कैसे वो एक तुमसे बड़ा हो गया था कोबरा। चमगादड़ को तो नहीं लेकिन किसी और को जरूर मारूंगा। अरे कोबरा किसको मारोगे बे, वैसे मेरे को डर लग रहा था, शुक्रिया तुम मेरे साथ आके हो, अब थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मैं डरूंगा तो नहीं कम से कम यहाँ। शुक्रिया कोबरा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है शुक्रिया की, क्योंकि बहुत जल्द तुम भिन्न मुर्दों के साथ सो जाओगे। अरे कोबरा वो देखो कोबरा, बढ़ाया मुझे अपना हीरो कहलाने वाला, इसे पता नहीं कि मैं हीरो नहीं, मैं शैतान, शैतान मैं हूँ भूतिया कोबरा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कोबरा चमगादड़ में कैसे बदल गया, शुक्र है कि मैंने इसकी वीडियो बना ली। अरे अरे ये क्या, मेरे दोस्त को क्या हुआ है, खून कैसे निकल रहा है इसके मुंह से, मुझे लगता है कि कोबरा ने इसे मार दिया है, लेकिन कोबरा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हो ना हो ये उसी का काम है। मैं जल्दी से जल्दी चलता हूँ यहाँ पर, कहीं वो मुझे भी मार ना दे, बचाओ कोई मुझे बचाओ, मैं इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करूँगा। अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलता हूँ यार, कहीं वो मुझे भी कुछ कर ना दे और मुझे भी मेरी दोस्त की तरह मार ना दे। अभी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, लेकिन पहले। अरे यार सुबह होने को है, देखता हूँ उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा रात को। अबे बचाओ बचाओ। अबे रविंदर। अरे मेरे भाई विजय, तू शुक्र है तू आ गया मेरे भाई। भाई तू इतना हाफ क्यों रहा है। अबे भाई इन सबको छोड़, उतर मत गाड़ी से भाई, जल्दी चल गाड़ी स्टार्ट कर भाई। अरे हुआ क्या ये तो बता पहले। अबे पहले गाड़ी स्टार्ट कर भाई, तुझे पता नहीं क्या हुआ है, जल्दी चल मेरे भाई। ठीक है ठीक है, पर बता तो दे हुआ क्या। हाँ हाँ भाई गाड़ी में तो बैठ पहले, फिर बताता हूँ तुझे मैं। हाँ बोल अब क्या हुआ। अरे भाई तुझे पता नहीं, कोबरा ने हमारे दोस्त कालू को मार दिया भाई। अबे ऐसा नहीं हो सकता, कोबरा तो हमारा सुपर हीरो है ना। भाई ऐसा ही हुआ है, मेरे पास उसके प्रति सबूत भी है, मैं अब पुलिस के पास जाऊंगा भाई, मैं उस कोबरा को छोड़ूंगा नहीं उसने। अबे बोलो क्या हुआ है तुम्हें, आखिरकार क्यों घबराए हुए हो बेटा। अरे कमिश्नर सर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस कोबरा ने मेरे दोस्त कालू को मार दिया है सर। ऐसा नहीं कर सकता है कोबरा बेटा, कोबरा हमारा रक्षक है, वो भक्षक नहीं बन सकता है। नहीं साहब, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मारते हुए देखा है। मैंने नहीं देखा ना बेटा, वैसे भी कोर्ट सबूतों पर विश्वास करती है, ना कि तुम्हारी आंखों पर भी। तुमने कुछ बनाई है वीडियो वगैरह उसकी। मुझे पता था कि आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है सर। मैंने सोचा कि हमारा सुपर हीरो इसलिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो तो भक्षक निकला, ये देखिए। अबे ये तो सच में वही है, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं देखता हूँ उस कोबरे को, उसने बहुत गलत किया है, मासूम लोगों की जान ले रहा है वो। हाँ सर हाँ, उसका कुछ कीजिए, उसने मेरे दोस्त को मारा है, अगर आप भी उसका कुछ नहीं करेंगे तो मेरा कानून से भरोसा उठ जाएगा। चिंता मत करो बेटा, मैं देखता हूँ अब उसे, मैं जाकर गिरफ्तार करता हूँ अभी कोबरा को, तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ आराम से, मैं देखता हूँ अब उस कोबरा को। अरे पता नहीं कमिश्नर ने मुझे इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया होगा, लगता है कुछ जरूरी काम है। अरे कोबरा तुम यहाँ हो, आखिरकार आ गए हो ना। अरे हाँ हाँ कमिश्नर, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बताओ क्या बात है और क्यों मुझे इतनी जल्दबाजी में तुमने बुलाया। नीचे आओ कोबरा, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। अरे हाँ हाँ कमिश्नर, लो बताओ क्या बात है। कोबरा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, तुम लोगों को मारे जा रहे हो, वो भी निर्दोष को, ये बहुत गलत किया है तुमने वे। अरे मैंने किसे मारा है कमिश्नर, तुम तो जानते हो ना कि मैं सुपर हीरो हूँ, ना कि कोई शैतान। अबे ये तो मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली है, तुम भी देखो अच्छे से, दिख रहा है क्या, तुम ही हो ना ये। अरे
ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया है कमिश्नर। तुमने नहीं किया तो किसने किया है, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा कोबरा। जैसा तुम्हें ठीक लगे कमिश्नर, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी कहा है और अब ही कहूँगा कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मैं लोगों को बचाने वाला हूँ, ना कि मारने वाला। हम क्या करें कोबरा, कोर्ट तो अब सबूत देखती है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें हवालात में डालना पड़ेगा हमें। ठीक है कमिश्नर, तुम वही करो जैसे तुम्हें ठीक लगता है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तुम भी जानते हो ये भली भांति कि ये मैं नहीं कोई और होगा, क्योंकि कोबरा कभी किसी निर्दोष को नहीं मार सकता। तुम्हें जो करना है वो करो। मेरी वजह से उस कोबरा का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं कोबरा हूँ कोबरा, लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि मैं कोबरा नहीं बल्कि मैं तो कोई और ही हूँ। मैं ये भी जानता था कि उसके दोस्त भी आए हैं और मैंने उसे जिंदा जाने दिया ताकि कोबरा पर सारा शक आए। मैं तो भगवान की खाल में भेड़िया हूँ, भेड़िया छलावा हूँ मैं, छलावा। मेरे छलावे से कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। तो हे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन्हें अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।